नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर हमने जो हरप्पन सिविलाइजेशन है उसको कंप्लीट किया था अपने थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट वन के एनसीईआरटी से ही। और उसकी अगली वीडियो में हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे हरप्पन सिविलाइजेशन के, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो सीएपीएफ हो और चाहे वो सीएससी का एग्जाम हो, वो सारे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करे थे एक ही वीडियो के अंदर। करीब करीब एक घंटे की वो वीडियो गई थी, बट उससे हमारे क्या हुआ कि हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे हरप्पन सिविलाइजेशन के हमने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज बारी है इस वाले चैप्टर की, जो थीम्स का जो सेकंड चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। तो आज दोस्तों हम इस वाले चैप्टर को कवर करेंगे, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें हाईलाइट करेंगे, और जो अगली वीडियो होगी उसमें इस वाले चैप्टर के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारी हिस्ट्री है वो बेसिकली हमारी 600 BCE से लेकर 600 CE के बीच में बात करती है। ठीक है, अगर हम इस वाले पैराग्राफ को पढ़ें तो क्या कह रहा है, देयर वर सेवरल डेवलपमेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग लॉन्ग स्पैन ऑफ 1500 ईयर्स फॉलोइंग द एंड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, हरप्पन सिविलाइजेशन के एंड के बाद काफी सारे डेवलपमेंट हुए। ठीक है, दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड ड्यूरिंग विच द ऋग्वेदा वॉज कम्पोज बाई पीपल लिविंग अलॉन्ग द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या चीज याद रखनी है कि ऋग्वेदा कब कम्पोज हुआ था हमारा, तो ऋग्वेद हमारा कम्पोज हुआ था 1500 BC में। ठीक है, यहाँ से वो पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद किसने कंपोज किया था, यहाँ पे इंडस के और आसपास जो रहने वाले लोग थे, इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी के आसपास जो रहने वाले लोग थे, वो उन लोगों ने ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद कंपोज किया था। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स इमर्ज इन मेनी पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इंक्लूडिंग नॉर्थ इंडिया, द डेक्कन प्लेटू एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका। बिसाइड्स देयर इज एविडेंस ऑफ पेस्टोरल पॉपुलेशन इन द डेक्कन एंड फर्दर साउथ। अच्छा, तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, पेस्टोरल पॉपुलेशन हमारी कहाँ पे थी, हमारी डेक्कन और जो फर्दर साउथ था वहाँ पे हमारी पेस्टोरल पॉपुलेशन पहले से थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, न्यू मोड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेड इंक्लूडिंग द मेकिंग ऑफ एलाबोरेट स्टोन कॉल्ड मेगालिथ इमर्ज इन द सेंट्रल एंड साउथ इंडिया फॉर द फर्स्ट मिलेनियल BCE। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ याद रखनी है, मेगालिथ क्या होता है हमारा। ठीक है, तो बेसिकली हमारा मेगालिथ क्या होता है, तो बेसिकली हमारे मेगालिथ क्या होते हैं, बेसिकली हमारे ये मेगालिथ जो है वो स्टोन के स्ट्रक्चर होते हैं बहुत बड़े बड़े। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इमर्जिंग सेंट्रल एंड साउथ इंडिया फॉर द फर्स्ट मिलेनियम। ठीक है, तो सबसे पहले ये सेंट्रल और साउथ इंडिया जो है हमारे, वहाँ पे ये मेगालिथ हमारे इमर्ज हुए थे। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है हमारा, इन मेनी केसेस द डेड वर बरीड विद रिच एंड विद अ रिच रेंज ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स। ठीक है, कई सारे केसेस में हमारे जो डेड लोग थे उस टाइम के, उन्हें काफ़ी ज़्यादा आयरन और वेपन्स के साथ उन्हें बरी कर दिया जाता था। ठीक है, फ्रॉम उसके बाद इस पैराग्राफ के अंदर कुछ खास है नहीं, आपको बस थोड़ा ये याद रखना है कि एन इंस्क्रिप्शन सांची, तो हमारे जो सांची की इंस्क्रिप्शन है वो हमारी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, 2nd century BC के अंदर ये हुआ था। ठीक है, इसका फिगर आप देख सकते हो, तो बेसिकली आपको ये याद रखना है। अगले पैराग्राफ के अंदर मूव करते हैं, अगला पैराग्राफ है हमारा प्रिंसेप एंड प्रियदर्शी। तो ये बेसिकली हमारा क्या कह रहा है, सम ऑफ द मोस्ट मोमेंटस डेवलपमेंट इन इंडियन एपोग्राफी टुक प्लेस इन 1830, यानी कि 1830 में हमारे मोस्ट ऑफ द एपोग्राफी के डेवलपमेंट हुए। अच्छा, एपोग्राफी क्या होती है हमारी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, यानी कि इंस्क्रिप्शन की हमने सबसे ज्यादा जम के हमने कब स्टडी करा, हमारा 1830 के बाद से हमारा ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, दिस वॉज वेन जेम्स पर्शिप, अब ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, जेम्स पर्शिप वॉज हु, ही वॉज एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था। इसने बेसिकली एक काम का किया था, इसने जो ब्राह्मी जो लैंग्वेज थी और खरकोस्ती जो लैंग्वेज थी, अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसे डिसाइफर किया था इसने। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, डिसाइफर्ड ब्राह्मी एंड खरकोस्ती टू स्क्रिप्ट यूज इन ईस्टर्न इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स। ठीक है, ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ दीज मेंशन अ किंग रेफर टू प्रियदर्शी। ठीक है, इसने ये पाया कि बहुत सारे हमारे कॉइन्स में और जहाँ पे ये ब्रह्मी और खरगोश्ती लैंग्वेज का यूज करके लिखा जा रहा है, वहाँ पे प्रियदर्शी का बार बार जिक्र आ रहा है। ठीक है, अब ये प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है, जो उसने डिस्कवर किया, प्रियदर्शी का मतलब होता है प्लीजेंट टू बी होल्ड। ठीक है, प्लीजेंट टू बी होल्ड, अब ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, देयर वर फ्यू इंस्क्रिप्शन विच ऑल्सो रेफर टू किंग ऑफ अशोका। ठीक है, बेसिकली जो अशोका थे उन्हीं को ये प्रियदर्शी बोला जाता था। ठीक है, वहाँ के अशोका एम्पायर के जो लोग थे वो उनके द्वारा। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो ये हमें पता कहाँ चलता है, ये बेसिकली हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है उसके अंदर हमें पता चलता है कि ये प्रियदर्शी लिखा हुआ है। ठीक है, और ये अशोका के बारे में बात कर रहा है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ रखा है बुद्धिस्ट टेक्स्ट से रिलेटेड। ये वाला पैराग्राफ में उतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, अगले पैराग्राफ में मूव करते हैं, अर्लियर स्टेट्स, तो 16th महाजनपदास की बात करते हैं। आपने देखा होगा महाजनपदास का कितनी बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस वाले पैराग्राफ में महाजनपदास को पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन रह ना जाए। ठीक है, तो द 6th BCE, पहले तो ये आपको याद रखना है, 6th BCE इज ऑफ्टन रिगार्डेड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा यूपीएससी में कि बेसिकली हमारा कौन सा शताब्दी को मेजर टर्निंग पॉइंट कहा जाता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, तो उसका जो आंसर है हमारा क्या है, 6th century BCE को हमारा क्या कहते हैं, मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, आपको याद रखना है, दिस इज एन एरा एसोसिएटेड विद अर्ली स्टेट सिटीज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, यानी कि आयरन का यूज यहाँ पे होने लग गया। पिछली बार हमने हरप्पन सिविलाइजेशन में क्या पढ़ा था कि वहाँ पे कॉपर था, ब्रोंज था, ठीक है, आइवरी थी, सब कुछ था, लेकिन आयरन नहीं था हरप्पन सिविलाइजेशन। लेकिन अब ये 6th century BCE के बाद हमारा जो आयरन है ये बेसिकली हमारा यूज में आ गया था। ठीक है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो,
क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज एन एरा एसोसिएटेड विद अर्ली स्टेट्स सिटीज द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन, ठीक है, द डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज एक्सेट्रा, इट ऑल्सो विटनेस द ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट्स इंक्लूडिंग बुद्धिज्म जैनिज्म, ठीक है, तो बुद्धिज्म जैनिज्म का भी 6th century BC यानी कि 600 BCE के बाद में ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अर्ली बुद्धिज्म जैना टेक्स्ट मेंशन अमंग्स अदर थिंग्स 16 states इंक्लूडिंग महाजनपदास, तो बेसिकली हमें महाजनपदास का जिक्र कहाँ पे मिलता है, अर्ली बुद्धिस्ट और जो जैन टेक्स्ट हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है, वहाँ पे हमें इसका जिक्र मिलता है महाजनपदास का, और ये याद रखना वो ये अर्ली लेट और मैच्योर ये सब वर्ड जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो बेसिकली आपको ये अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट पे ज़्यादा ध्यान देना कि जो हमें महाजनपदास का मेंशन मिला है वो अर्ली बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिला है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ऑल दो द लिस्ट वेरीज सम नेम्स सच एज वज्जू मगध कौशल करू पांचाल गंधार एंड अवंती इनकर फ्रीक्वेंटली क्लियरली दिस वर अमंग्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदास, ठीक है। तो हालांकि 16 महाजनपदास का लिस्ट तो बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी, लेकिन जो इसमें मेजर मेजर है उनका नाम यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो वज्जी मगध कौशल कुरु पांचाल गंधार अवंती, ठीक है, ये जो थे हमारे ये बेसिकली हमारे मेजर महाजनपदास थे, यहाँ पे इसने दे रखा है, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो महाजनपदास थे वो बेसिकली ये थे हमारे, जो है हमारी ये बेसिकली मज्जी मगध और मैं कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ मज्जी मगध और कौशल, ठीक है, तो ये हमारे मेजर महाजनपदास थे। आप यहाँ पे देख भी सकते हो जो मगध है हमारा कितना फेमस था, उसके बाद जो कौशल है ये अपने महाभारत में नाम सुना होगा कौशल, ठीक है, उसके बाद कुरु का भी नाम सुना होगा अपने, जो अर्जुन कहता है कुरु सेना को हरा देंगे, बेसिकली कुरुस जो थे, उसके बाद पांचाल जहाँ से पांचाली थी, उसके बाद गंधार जहाँ से मामा शकुनी थे, ठीक है, तो बेसिकली ये उतने टाइम से फेमस है। वाइल द मोस्ट महाजनपदास वर रूल्ड बाय किंग्स सम नोन एज गनास और शंगास वर ओलिगार्चीज, तो गना और शंगा हमारे कौन थे, ये बेसिकली ओलिगार्ची थे, ठीक है, वेयर पावर वॉज शेयर्ड बाई अ नंबर ऑफ मैन ऑफ्टन कलेक्टिवली कॉल्ड राजास, ठीक है, तो ओलिगार्ची में बेसिकली क्या होता है, कई सारे लोग होते हैं उन्हें राजा बुलाते हैं, ठीक है, और वो कई सारे लोग पावर शेयर करके एक टेरिटरी को चलाते हैं, ठीक है, तो ओलिगार्ची का मतलब ये होता है, तो जो गना और शंगा थे वो बेसिकली ओलिगार्ची को रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। और आगे कह रहा है बोथ महावीरा एंड बुद्धा, बोथ महावीरा एंड बुद्धा बिलोंग टू सच गनास, अब यहाँ पे आपको याद रखना है जो मैं हर बार कहता हूँ कि ये जो इस टाइप के वर्ड्स होते हैं बोथ ओनली और इन सब पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अब यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बोध महावीरा की जगह दे सकता है कि ओनली महावीरा बिलोंग टू सच गनास, ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है वर्ड बोध कि महावीरा और बुद्ध जो दोनों लोग थे वो दोनों इस गना के से ताल्लुक रखते थे, बेसिकली इस गना से ही बिलोंग करते थे वो, ठीक है। अगला क्या कह रहा है इन सम इंस्टेंसेस एज इन द केस ऑफ वज्जी संगा द राजास प्रॉब्ली कंट्रोल रिसोर्सेज सच एज लैंड कलेक्टिवली ऑल्दो दिस देयर हिस्ट्री इज ऑफन डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट ड्यू टू लैक ऑफ सोर्सेज सम ऑफ द स्टेट लैक फॉर नियरली 1000 years, तो बेसिकली आपको यहाँ पे याद रखना है कि कुछ केसेस में जैसे वज्जी संगा केस में बात करिए, जैसे वज्जी संगा वाली घर की थे ये लोग क्या करते थे, ये लैंड रिसोर्सेज को भी कंट्रोल करते थे, ठीक है, लैंड रिसोर्सेज को भी ये कंट्रोल करते थे, ये आपको बस याद रखना है। अगला कह रहा है ईच महाजनपदा हैड अ कैपिटल सिटी विच वॉज ऑफ्टन फोर्टिफाइड, ठीक है, जो हमारी कैपिटल सिटी थी महाजनपदास की वो फोर्टिफाइड थी, यानी किले में पूरा बना रखा था उसे। अब ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है हमारा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इसने बात करी है जनपद हमारा क्या होता है, जनपद हमारा ये होता है कि जो लैंड वेयर जन यानी कि जो लोग जहाँ पे रहते हैं, जो लोग जहाँ पे अपना पैर रखते थे या फिर जहाँ पे लोग अपना सेटलमेंट कर लेते हैं उसको कहते हैं हम जनपद, ठीक है, वो इसमें लेकर का इंग्लिश में, ठीक है। और ये जो वर्ड था इट इज अ वर्ड यूज बोथ इन प्राकृत एंड संस्कृत, अब यहाँ पे भी देखो तो बहुत कीवर्ड आ रहा है हमारा, इस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है कि जो हमारा जनपद आता है ये प्राकृत में भी यूज होता था और हमारा संस्कृत के अंदर भी यूज होता था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखने की जो पैलीग्राफी हमारा क्या होता है, ये जो लिखा है मैंने पैलियोग्राफी, ये हमारा क्या होता है, बेसिकली इट इज अ पैलीग्राफी इज वर्ड, पैलीग्राफी इज अ स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है, जो हमारी राइटिंग होती है उसे हम कहते हैं, स्टाइल ऑफ राइटिंग जो होती है उसे हम कहते हैं पैलीग्राफी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो इस डब्बे के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है बस कि आपको याद रखना है कि जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन थी वो हमारी प्राकृत में हुई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन में पूछ सकता है संस्कृत में हुई थी, बहुत ज्यादा लोग संस्कृत में टिक करके आएंगे या फिर तमिल में करके आएंगे, बट जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन हमारी पाई गई है वो हमारी प्राकृत के अंदर पाई गई है, ठीक है। तो दूसरी चीज हमें याद रखनी है वो ये रखनी है कि जो हमारे अजंता सेतु और जो अशोका है इनका हमें नेम और इनका जो हमें इनके बारे में हमें कहां से पता चलता है, हमारे प्राकृत टेक्स्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि अजंता सेतु और अशोका के बारे में, ठीक है, तो ये दो चीज आपको इस पैराग्राफ के अंदर से याद रखनी है, ठीक है। अब जो बेसिकली इसने जो बात करी थी यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में कि मेंटेनिंग दिस फोर्टिफाइड सिटीज एज वेल एज जो आर्मी वगैरह को रखने में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है, तो फ्रॉम 6th century BC ऑनवर्ड्स ब्राह्मणा बिगेन कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट नोन एज धर्मसूत्र धर्मसूत्रास, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये ब्राह्मणा ने अपनी धर्मसूत्र बनाना कब से स्टार्ट किया था, 600 BCE के बाद में स्टार्ट किया था, ठीक है। अब ये जो बेसिकली हमारे जो धर्मसूत्र थे ये बेसिकली हमारे रूल्स थे, नॉर्म्स थे, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस लेड डाउन नॉर्म्स फॉर रूलर्स एज वेल एज फॉर दोज ऑफ अदर सोशल कैटेगरीज
were ideally accepted to be Kshatriyas. Rulers were advised to collect taxes and tribute from cultivators, traders, and artisans. Were rulers also procured from pastorals or forest people? We do not really know. What we do know is that raids, यहाँ पे आपको इस चीज पे ध्यान देना, raids on neighboring state were recognized as legitimate means of acquiring wealth. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो हमारी रेड थी, जैसे एक राजा दूसरे अपने जो पड़ोसी राजा उस पर रेड मार के जो वहाँ की जितनी वेल्थ है उसे लूट के ले आए, तो इसे लेजिटिमेट चीज माना जाता था अकॉर्डिंग टू धर्मसूत्र. अब यहाँ पे ऑलिगार्की के बारे में बता रखा, ऑलिगार्की रिफर्स टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज एक्सरसाइज बाय अ ग्रुप ऑफ मेन, जैसे हमने डिस्कस किया था ग्रुप ऑफ मेन. द रोमन रिपब्लिक अबाउट विच यू रेड लास्ट चैप्टर वॉज एन ऑलिगार्किक ऑलिगारी इन स्पाइट ऑफ इट्स नेम. तो जो हमारा रोमन रिपब्लिक था वो बेसिकली हमारा ऑलिगार्की था, ये आपको याद रखना है. ठीक है, इस वाले पैराग्राफ में क्या कह रहा है, बिटवीन 6th एंड 4th सेंचुरी बीसी, ठीक है, यानी कि 600 से 400 से सेंचुरी बीसी के बीच में मगध जो कि हमारा प्रेजेंट डे बिहार है, जो हमारा बिहार है बेसिकली, उसी को जो हमारा मगध एम्पायर था वो बेसिकली हमारा बिहार से ओरिजिनेट हुआ था, आप लोगों को पता ही होगा. तो जो मगध है जो हमारा बेसिकली प्रेजेंट डे बिहार है, बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास. तो यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि मोस्ट पावरफुल महाजनपदास हमारा कौन सा था, तो हमारा जो मगध था दैट वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदास ऑफ ऑल. ठीक है, मॉडर्न हिस्टोरियन एक्सप्लेन दिस डेवलपमेंट इन अ वैरायटी ऑफ वेज. मगधा वॉज अ रीजन वेयर एग्रीकल्चर वॉज स्पेशली प्रोडक्टिव. अब देखो बिहार जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे कहाँ पे है, वो गंगा प्लेन पे है. ठीक है, तो गंगा प्लेन पे होने से क्या हो रहा है कि वहाँ की जो सॉइल है वो ज्यादा बहुत ज्यादा फर्टाइल है, तो इस वजह से जो वहाँ की प्रोडक्टिविटी थी सॉइल की एग्रीकल्चर की वो बहुत ज्यादा अच्छी थी. तो यही चीजें हमें बता रहा है. उसके बाद बिसाइड्स आयरन माइंस वर एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर टूल्स एंड वेपन्स. ठीक है, जो आयरन माइन थी वो भी बिहार के अंदर एक्सेसिबल थी. ठीक है, जो प्रेजेंट डे में हमारी झारखंड में, ठीक है, जो आयरन माइन्स है. ठीक है, पार्टीशन के बाद. उसके बाद जो हमारी एलिफेंट्स हैं, एलिफेंट्स एंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द आर्मी वर फाउंड इन फॉरेस्ट एंड द रीजन. ठीक है, तो हाथी वगैरह सब थे इसमें मगध एम्पायर में. ऑल्सो द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी प्रोवाइडेड अ मींस ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन. उसके बाद जो हमारी गंगा थी और उसकी ट्रिब्यूटरीज थी वो चीप और कन्वीनियंट कम्युनिकेशन की सुविधा उपलब्ध कराती थी. ठीक है, नाव वगैरह के थ्रू हमारा ये कम्युनिकेशन होता जाता जो कि सस्ते में हो जाता था. ठीक है, हाउएवर अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन राइटर्स हु रोट अबाउट मगध एट्रिब्यूटेड इट्स पावर टू द पॉलिसीज ऑफ इंडिविजुअल्स. अच्छा, तो जो हमारे बुद्धिस्ट और जैन लोग थे उन्होंने क्या लिखा है मगध के बारे में कि इन्होंने ये बेसिकली अपनी पावर कैसे एट्रीब्यूट करते थे, वो अपनी पॉलिसीज के थ्रू एट्रीब्यूट करते थे. यहाँ पे क्या लिख रखा है, रूथलेसली एम्बिशियस किंग्स ऑफ होम बिम्बुसारा अजंता सेतु महापद्मानंदा आर द बेस्ट नोन एंड देयर मिनिस्टर हु हेल्प इम्प्लीमेंट देयर पॉलिसीज. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये जो रूथलेसली एम्बिशियस किंग्स थे जिसमें हमारे बिम्बुसारा भी शामिल हैं, अजंता सेतु भी शामिल हैं, महाजनपदा महापद्मानंदा भी शामिल हैं. ठीक है, ये जो बेसिकली थे ये अपनी एक पॉलिसीज के थ्रू अपनी क्या करते थे, पावर एक्वायर करते थे. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. और ये किसमें बोला गया, हमारा बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट के अंदर बोला गया. इनिशियली राजग्रह द प्राकृत नेम फॉर प्रेजेंट डे राजगृह. अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि राजग्रह क्या आता है, मतलब राजगृह हमारा प्रेजेंट डे कौन सा पार्ट है बिहार का, तो हमारा राजगीर जो पार्ट है अभी बिहार का, जो प्रेजेंट डे बिहार है राजगीर, वही हमारा एंशियंट टाइम में राजगृह था. ये आपको याद रखना है. इट वॉज अ कैपिटल ऑफ मगध. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मगध की कैपिटल हमारी क्या थी, राजगृह थी. ठीक है, हालांकि बाद में वो पाटलिपुत्र हो गई थी, बट इनिशियली वो राजगृह थी, ये आपको याद रखना है. इंटरेस्टिंगली द ओल्ड नेम मीन्स द हाउस ऑफ किंग. ठीक है, अब देखो ये जो राजगृह है इसका बेसिकली लिटरल मीनिंग ही ये था कि जो हमारा राज, अब यहाँ पे आप पता ही सकते हो नाम से ही पता चल रहा है, देखो राज का मतलब क्या होता है, राजा. ठीक है, राजा गह, गह का मतलब घर. ठीक है, तो ये बेसिकली जो राजगृह था इसका मतलब था हाउस ऑफ किंग. ठीक है, राजगृह वॉज अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट, ये आपको याद रखना है, लोकेटेड अमंग हिल्स. ठीक है, पहाड़ों के बीच में था. लेटर ऑन इन 14th सेंचुरी बी सी द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र. ठीक है, तो कब हमारा कैपिटल पाटलिपुत्र में शिफ्ट हुआ था, 4th सेंचुरी बी सी में शिफ्ट हुआ था. ठीक है, प्रेजेंट डे पटना, जो पाटलिपुत्र है दैट इज प्रेजेंट डे पटना, और जो राजगृह है वो हमारे प्रेजेंट डे राजगीर है बिहार के अंदर. ठीक है, उसके बाद कह रहा है अर्ली एम्पायर के बारे में बात कर रहा है, द ग्रोथ ऑफ मगध कल्मिनेटेड इन द इमर्जेंस ऑफ मौर्य एम्पायर. ठीक है, तो मगध की ग्रोथ के बाद जो हमारा मौर्य एम्पायर था ये हमारा अच्छे से निखर के आया, जिसमें हमारे चंद्रगुप्त मौर्य हु फाउंडेड द एम्पायर. तो मौर्य एम्पायर किसने फाउंड किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड किया था. ठीक है, कब फाउंड किया था, 321 BCE के अंदर फाउंड किया था. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड मौर्य एम्पायर. एक्सटेंडेड कंट्रोल एज फार एज नॉर्थ वेस्ट ऑफ अफगानिस्तान. ठीक है, आप देख सकते हो मतलब कितनी यूनिक बात है कि जो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य थे इनकी जो एम्पायर था दैट वॉज टिल अफगानिस्तान जो हमारे थे और बलोचिस्तान जो कि प्रेजेंट है पाकिस्तान में. ठीक है, वहां पे था. ठीक है, उसके जो ग्रैंडसन थे अशोका, या आपको याद रखना है कि जो अशोका थे वो हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंड सन थे. ठीक है, सन नहीं थे. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. आर्ग्यूबली द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ अर्ली इंडिया कॉन्कर्ड कलिंगा द प्रेजेंट डे ओडिशा. ठीक है, तो ये कलिंगा वॉर जो थी अशोका की, ये बहुत ज्यादा फेमस वॉर है.
ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लडशेड हुआ था। और ठीक है, बाद में ऐसा कहते हैं कि अशोका को रियलाइज होता है कि अपनी गलती को, कि मैंने रूथलेसली बच्चों औरतों सबको मरवा दिया, और ठीक है, और वॉर में मैंने टेरिटरी तो जीत ली लेकिन मैंने कितनी ज्यादा इंसानियत को मतलब नुकसान पहुंचाया। तो फिर वहीं से बताते हैं कि उनका अशोका का मतलब बेसिकली ट्रांजिशन हुआ और वो बहुत ज्यादा थोड़े स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ गए, ठीक है, और उनका जो धम्मा उन्होंने स्टैब्लिश वगैरह किया था। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे इस डब्बे को पढ़ लेते हैं पहले क्या कह रहा है। मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत लैंग्वेज। ये आपको याद रखना कि जो मोस्ट अशोकन जो हमारे इंस्क्रिप्शन थी, ठीक है, वो हमारे प्राकृत लैंग्वेज में थी। वाइल दोज इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, ये आपको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है इस डब्बे से। वाइल दी दोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वर इन अरेमिक एंड ग्रीक, ठीक है, जो हमारा नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, वहाँ पे हमारी अरेमिक और ग्रीक बोली जाती थी। मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होंगे कि जो हमारी ये प्राकृत बोल रहा है और उसके बाद ब्रह्मी भी बोल रहा है। तो बेसिकली जैसे आप हमारी जो हिंदी है, हिंदी एक भाषा है, उसके बाद जो देवनागरी है वो हमारी क्या है, वो लिपि है, उसी तरह प्राकृतिक भाषा है, और जो ब्रह्मी है वो हमारी लिपि थी उस टाइम, ठीक है, तो स्क्रिप्ट थी हमारी ब्रह्मी, ठीक है। तो मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन ब्रह्मी स्क्रिप्ट, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। हाउएवर सम ऑफ द नॉर्थ वेस्ट वर रिटन इन खरगोश्ती, कि नॉर्थ वेस्ट में हमारे खरोस्ती भी बोली जाती थी, ठीक है। हमने नॉर्थ वेस्ट में क्या देखा था, अरेमिक और ग्रीक भी बोली जाती थी, और साथ ही साथ हमारी खरगोश्ती भी बोली जाती थी। अरेमिक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट वर यूज फॉर इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान। यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है कि हमारे अफगानिस्तान के अंदर कौन सी इंस्क्रिप्शन यूज होती थी, ठीक है, तो हमारी अरेमिक और ग्रीक जो होती थी वो यूज होती थी, ठीक है, तो इस पर आपको टिक करना है। इसके बाद ये वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट मौर्यास। तो मौर्यास के बारे में इंफॉर्मेशन है इस पैराग्राफ में। हिस्टोरियंस हैव यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर। दिस इंक्लूड आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स, स्पेशली स्कल्पचर। ऑल्सो वैल्यूएबल आर कंटेम्प्रेरी वर्क सच एज अकाउंट ऑफ मेगास्थनीस। मेगास्थनीस कौन था, यहाँ से आपको पता चलेगा, ही वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है कि हमारा मेगास्थनीस जो था वो कौन था, तो मेगास्थनीस वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर, जो कि ग्रीक से आए थे, टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये आपको याद रखना है। विच सर्वाइव्स इन फ्रेगमेंट्स, तो हमें जो मेगास्थनीस का जो अकाउंट था वहाँ से हमें पता चलता है मौर्य एम्पायर के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है, जो विच सर्वाइव इन फ्रेगमेंट्स, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में बचा है, पूरा एक फुल फ्लेज लिटरेचर हमारे पास नहीं बचा है क्योंकि बहुत ज्यादा पुरानी बात है। अनदर सोर्स दैट इज ऑफ्टन यूज्ड इज अर्थशास्त्र, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, जो चाणक्य ने लिखी थी, ठीक है। तो बेसिकली हमें मौर्य एम्पायर के बारे में कहाँ से पता चलता है, मेगास्थनीस के थ्रू, जिसने अकाउंट लिखे थे, और जो हमारे अर्थशास्त्र है, ठीक है, उसके थ्रू, ठीक है। पार्ट्स ऑफ विच वर प्रॉब्ली कंपोज बाय कौटिल्य और चाणक्य, ठीक है, चाणक्य को कौटिल्य भी बोलते हैं। ट्रेडिशनली बिलीव्ड टू बी द मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त, कौटिल्य या फिर चाणक्य हमारे कौन थे, हमारे मिनिस्टर थे, कहाँ के, हमारे चंद्रगुप्त एम्पायर के, जो हमारे चंद्रगुप्त थे उनके हम ये मिनिस्टर थे, ठीक है, कौटिल्य। बिसाइड्स द मौर्यन आर मेंशनड इन लेटर बुद्धिस्ट, जैन एंड पुरानिक लिटरेचर एज वेल एज इन संस्कृत इटिनरी वर्क्स। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो हमारी मौर्यंस है उनका जिक्र हमारा बुद्धिस्ट में भी है, जैन में भी है, पुरानिक लिटरेचर में भी है, और संस्कृत जो वर्क है उसके अंदर भी हमारा मौर्यंस का जिक्र है, ठीक है। वेल दीज आर यूजफुल, द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका ऑन रॉक पिलर्स आर ऑफ्टन रिगार्डेड एज अमंग्स मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स। यहाँ से आपको पूछ लेगा कि मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स कौन सा है, तो हमारा जो इंस्क्रिप्शन ऑफ रॉक्स एंड पिलर्स है अशोका के टाइम पे, ठीक है, तो वो मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, ठीक है, तो आपको याद रखना अशोका ने कराया था यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब हिज मैसेज ऑन हिज सब्जेक्ट एंड ऑफिशियल ऑन स्टोन सर्फेसिस। तो अशोका वो पहला था जिसने पत्थरों पे लिखवाना स्टार्ट किया था अपने मैसेजेस को, ठीक है। ही यूज द इंस्क्रिप्शन टू प्रोक्लेम वॉट ही अंडरस्टूड टू बी धम्मा। तो ये जो धम्मा है ये बेसिकली अशोका ने एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। दिस इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर। अब ये धम्मा बेसिकली इंक्लूड क्या करता था, धम्मा को बेसिकली आपको याद रखना है तो आप धर्मा से याद रखो कि हमारा धर्म क्या होता है, मतलब बेसिकली, ठीक है। तो ये प्राकृत में लिखा था इस वजह से धम्मा लिखा है, ठीक है। तो धर्म हमारा क्या होता है बेसिकली, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, जेनरोसिटी टुवर्ड्स ब्राह्मणास, ब्राह्मणास की रिस्पेक्ट करना, उसके बाद जिन्होंने अपनी दुनिया छोड़ दी है बेसिकली, जो सन्यासी हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, और जो दास हैं जो बेसिकली हमारे नौकर चाकर हैं उनको अच्छे से व्यवहार करना उनके साथ, और जो रिलीजियंस हैं बाकी सारे रिलीजियंस हैं हमारे अलावा उनकी भी रिस्पेक्ट करना, ठीक है। ये एक मतलब हर सिटीजन का धर्म होता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो धम्मा जो हमारा है बेसिकली क्या कहता था, ये दिस इंक्लूडेड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, generosity towards brahmanas and those who renounce worldly life, treating slaves and servants kindly, and respect for religion and tradition other than one's own. अब यहाँ पे administration की बात करी गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो lion capital है ये भी हमारा अशोका से ही लिया गया है ये, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा हमारा जो inscription है हमारे भारत में वो यहीं से लिया गया है। यहाँ पे administration की बात करते हैं empire की। देर वर फाइव मेजर पोलिटिकल सेंटर इन दी एम्पायर, पांच मेजर पोलिटिकल सेंटर थे हमारे, कौन कौन से थे, द कैपिटल पाटलिपुत्र पहला तो ये, द प्रोविंशियल सेंटर ऑफ तक्षशिला जहाँ से हमारे चाणक्य पढ़े थे शायद, ठीक है। उसके बाद हमारा उज्जैनी, उज्जैनी जो है हमारा ये तोशिला,
तोसली या फिर और फिर सुवर्णागिरी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि हमारे 5 पॉलिटिकल सेंटर मेन कौन थे, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिली एंड सुवर्णागिरी, ऑल मेंशनड इन अशोकन इंस्क्रिप्शन। अशोकन इंस्क्रिप्शन के अंदर हमें ये मेंशन किया जाता है। इफ वी एग्जामिन द कंटेंट ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन वी फाइंड वर्चुअली द सेम मैसेज एंग्रेव एवरीवेयर। दोबारा इस टाइप के वर्ड जो होते हैं हमारे सेम, इन्हें आपको हाईलाइट करना है। क्यों? क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे डिफरेंट कर देगा तो आपका क्वेश्चन बदल जाएगा। तो बेसिकली जो धम्मा का मैसेज था वो बेसिकली हर जितने भी सेंटर्स थे हमारे, पाटलिपुत्र हो गया, तक्षशिला हो गया, उज्जैनी हो गया, तोशिला हो गया, यहाँ पे हर जगह बेसिकली सेम हमें मैसेज मिलता है कि यही अपना एल्डर्स के रिस्पेक्ट करो, स्लेव्स को अच्छे से ट्रीट करो, ब्राह्मण के रिस्पेक्ट करो, दूसरों का जो धर्म है उनकी रिस्पेक्ट करो। ठीक है, तो बेसिकली सेम ही हमें मैसेज मिलता है हर जगह। ठीक है, फ्रॉम द प्रेजेंट डे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान टू आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड इंडिया, हर जगह पे बेसिकली हमें सेम ही इंस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है, कुड दिस वास्ट एम्पायर हैड अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। ये इसने क्वेश्चन पूछा कि क्या इतने वास्ट एम्पायर को एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता था। हिस्टोरियंस हैव इंक्रीजिंगली केम टू रियलाइज दैट दिस इज अनलाइकली। ठीक है, तो हिस्टोरियन ने क्या रियलाइज किया है कि ये बेसिकली बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि इतना वास्ट एम्पायर जो कि बेसिकली हमारा कहाँ तक, अफगानिस्तान से लेकर बेसिकली हमारा तमिल आंध्र प्रदेश तक आ रहा है जो हमारा एम्पायर, उसमें बेसिकली हमारा यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था और ये बहुत अच्छे से रन करता था, ये बहुत ये इस पर बिलीव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा हिस्टोरियन का मानना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कंधार हमारा जो बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये तक्षशिला है जो कि हमारा ऊपर नॉर्थ इंडिया में आता है हमारा। उसके बाद जो हमारा ये उज्जैनी जो हमने अभी पढ़ा था जो मेजर सिटी है, उसके बाद ये सांची। अब यहाँ पे आप आगे पढ़ोगे जो हम बुद्धिस्ट लिटरेचर वगैरह पढ़ेंगे कि यहाँ पे सांची स्तूपा जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो आपका ये मैप है इसे भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है कि मेजर रॉक एडिक्ट्स कहाँ पे हैं। ठीक है, पिलर्स कहाँ पे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब थोड़ा आगे पढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, द रीजन इंक्लूडेड विद इन द एम्पायर वर जस्ट टू डाइवर्स, इमेजिन द कंट्रास्ट बिटवीन द हिली टेरेन ऑफ अफगानिस्तान एंड द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। तो ये बेसिकली वही बता रहा है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो रीजन था ये इसमें ज्योग्राफिकल डिफरेंस इतना ज्यादा था। अब सोच के देखो जो हमारा कंधार है, ठीक है, और जो तक्षशिला है, यहाँ पे कितने हिली एरियाज है। ठीक है, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और कंधार के साइड मतलब बेसिकली हमारा एरिड क्लाइमेट है। वहीं हमारे जो कलिंगा है जहाँ पे बेसिकली हमारा उड़ीसा आ जाता है। ठीक है, उड़ीसा की टेरिटरी आ जाती है, तो यहाँ पे हमारा कोस्टल एरिया है। तो मतलब इतना ज़्यादा ज्योग्राफिकल डिफरेंस के बावजूद भी एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होना और स्मूथली रन करना ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अनबिलीविंग बात है। ठीक है, ये इस चीज़ ने बताने की कोशिश करी है। इट इज़ लाइकली दैट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वॉज स्ट्रॉगेस्ट इन द एरियाज अराउंड द कैपिटल एंड प्रोविंसेस सेंटर। तो इसने बोला कि जो हमारे कैपिटल के एरियाज थे वहाँ पे जो प्रोविंसेस था वहाँ पे जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ होगा ऐसा माना जाता है। These centers were carefully chosen, both Takshila and Ujjaini began situated on important long distance trade route, while Suvarnagiri literally golden mountain, yani ki Suvarnagiri ko hum kya bolte the, Suvarnagiri matlab golden mountain, was possibly important for tapping gold mines of Karnataka. To ye basically kis liye important tha, it was important for tapping gold mines in Karnataka. Uske baad aage kya keh raha hai, communication along both land and riverine routes was vital for existence of empire. Journey from the center to the province could have taken weeks if not months. This meant arranging for provisions as well as protection for those who were on the move. It is obvious that army was an important means of ensuring the latter. Megasthenes mentioned a committee with 6 subcommittees for coordinating military activities. Of these, one looked after the navy, the second managed transport and provisions, the third was responsible for foot soldiers and the fourth for horses, the fifth for chariot and the sixth for elephant. So basically, isne basically ye bola hai, aapki jo Megasthenes hai, isne ek committee ke bare mein mention kiya hai. जिस कमेटी के अंदर 6 अलग सब कमेटीज थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो उसमें इसके बाद इसने क्या बोला है कि बेसिकली जब ट्रैवल होता था तो ट्रैवल के दौरान जो हमारी ये कमेटी जिसमें जो 6 सब कमेटीज है इसमें से जो पहली कमेटी थी वो हमारी नेवी के अराउंड लुक आफ्टर करती थी। ठीक है, नेवी को मैनेज करती थी। जो सेकंड मैनेज थी ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट है और जो बाकी सारी चीजें हैं वो सेकंड कमेटी ये मैनेज करती थी। थर्ड वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुट सोल्जर्स की जो फुट सोल्जर्स हैं। ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थर्ड कमेटी थी वो लेती थी और जो फोर्थ थे वो हॉर्सेस की देखभाल करते थे और जो फिफ्थ थे वो चैरियट्स यानी कि जो रथ थे हमारे उनकी देखभाल करते थे और जो सिक्स्थ थे हमारे वो एलिफेंट्स की देखभाल करते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, द एक्टिविटीज फ्रॉम द सेकंड सब कमेटी वॉज रैदर वेरीड, अरेंजिंग फॉर बुलक कार्ट्स टू कैरी इक्विपमेंट, प्रोक्योरिंग फूड फॉर सोल्जर्स एंड फोर्डर फॉर एलिमेंट रिक्रूटिंग। तो बेसिकली इसमें बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में ये बताया गया कि जब हमारा ये टुकड़ी कोई मूव करती थी कहीं अपने एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में तो इसमें ये 6 कमिटीज थी, इनका एक वाइटल रोल होता था। ठीक है, जिसमें से एक जो थी वो नेवी के अराउंड लुक आफ्टर करती थी और जो दूसरी थी वो ट्रांसपोर्ट के अराउंड करती थी, फुट के अराउंड शोल्डर्स के अराउंड, फुट शोल्डर्स के अराउंड, उसके बाद रथों के अराउंड जो एलिफेंट और हॉर्सेस की देखभाल करती थी। उसके बाद इसने बताया कि जो हमारी सेकंड कमेटी थी जो कि हमारी क्या करती थी बेसिकली हमारी ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन, इसमें बहुत इसका जो बहुत ज़्यादा वेराइड रोल था। ठीक है, इसने बताया कि ये बुलक कार्ट की भी अरेंजमेंट करती थी। ठीक है, इक्विपमेंट्स भी कैरी करती थी। ठीक है, फूड और सोल्जर्स का भी देखती थी
और उसके बाद जो एनिमल्स का था उनका भी फूड देखती थी, ठीक है, और जो सर्वेंट्स थे यानी कि दास थे और जो आर्टिशंस थे उनको भी ये रिक्रूट वगैरह करती थी, ठीक है। तो ये बेसिकली मेगास्थनीज के अकाउंट से हमें पता चलता है, ये आपको बस मेजरली याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अशोका ऑल्सो ट्राई टू होल्ड हिज एम्पायर टुगेदर बाय प्रोपोगेटिंग धर्मा, तो ठीक है, जो ये हमने पहले पढ़ भी रखा था कि जो अशोका थे उन्होंने धम्मा एस्टेब्लिश किया था ताकि उनका जो एम्पायर है वो एक तरह से एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखे थे, प्रिंसिपल्स ऑफ विच एज वी हैव सीन वर सिंपल एंड वर्चुअली यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, ठीक है, क्योंकि इतने अच्छे प्रिंसिपल थे कि आज भी हम चेरिश करते हैं। दिस अकॉर्डिंग टू हिम वुड एंश्योर द वेल बींग ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड एंड नेक्स्ट स्पेशल ऑफिसर्स नोन एज धम्मा महामत्ता वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड मैसेज ऑफ धम्मा। अब यहाँ पे आपको याद रखना कि जो तो धम्मा महामत्ता थे ये बेसिकली हमारे कौन थे, ये क्वेश्चन में आ सकता है। तो धम्मा महामत्ता हमारे कौन थे, ये हमारे स्पेशल ऑफिसर थे जिनका काम ही यही था कि वो जो धम्मा का मैसेज है उसे स्प्रेड करें हर जगह, ठीक है। तो ये था इसका पूरा का पूरा, ये आपको याद रखना है। अगला क्या कह रहा है, येट हाउ इम्पोर्टेंट वॉज द मौर्यन एम्पायर, इट लास्टेड अबाउट 150 years, 150 साल हमारा मौर्यन एम्पायर था वो लास्ट किया था, ये आपको याद रखना है। विच इज नॉट वेरी लॉन्ग टाइम इन द वास्ट स्पैन ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस सबकॉन्टिनेंट। बिसाइड इफ यू लुक एट मैप टू यू विल नोटिस दैट द एम्पायर डिड नॉट एनकंपास द एंटायर सबकॉन्टिनेंट एंड इवन विद इन द फ्रंटियर बाय द एम्पायर कंट्रोल वॉज नॉट यूनिफॉर्म। तो आपको याद रखना है कि बेसिकली पूछ सकता है कि क्या मॉडर्न एम्पायर में या फिर किसी भी एम्पायर के अंदर जो हमारा कंट्रोल था वो यूनिफॉर्म होना मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर के अंदर कुछ ना कुछ होता ही रहता था। बाय द सेकंड सेंचुरी बीसी न्यू चीफडम किंगडम्स इमर्ज इन सेवरल पार्ट ऑफ सबकॉन्टिनेंट, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड सेंचुरी बीसी था उसके बाद से हमारे जो नए नए किंगडम्स वगैरह ये फॉर्म होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, न्यू नोशन ऑफ किंगशिप चीफ एंड किंग इन द साउथ। तो बेसिकली हमने जैसे अभी पढ़ा कि जो हमारा मौर्यन एम्पायर था वो 150 साल के बाद थोड़ा सा गिरने वरने स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद जो हमारा सेकंड सेंचुरी बीसी के बाद जो हमारे नए चीफडम और किंगडम का इमर्जेंस स्टार्ट हो गया था, और वो अपनी खुद की सॉवरेन टेरिटरी वगैरह चलाने में विश्वास रखते थे, और अपना वो ऐसे इस टाइप की मतलब मौर्यन एम्पायर से सेग्रीगेट करके अपने खुद की एम्पायर चलाना स्टार्ट कर रहे थे। तो वही चीज़ यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि जो हमारा साउथ में था बेसिकली कैसा रूल था। द न्यू किंगडम दैट इमर्ज इन द डेक्कन एंड फॉर द साउथ इंक्लूडिंग द चीफडम ऑफ द चोलास, जो हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं चोला, ठीक है, चेराज एंड पांड्यास इन तमिलकलम। अब ये जो तमिलकलम है ये आपको याद रखना है, द नेम ऑफ द एंशिएंट तमिल कंट्री विच इंक्लूडेड पार्ट ऑफ प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश केरला इन एडिशन टू तमिलनाडु। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन में आपसे पूछेगा कि तमिलकलम में क्या क्या इंक्लूडेड था। तो बेसिकली हमारा तमिलकलम में क्या क्या इंक्लूडेड था, इट वॉज द नेम ऑफ तमिल कंट्री। बेसिकली ये जो तमिलकलम था ये हमारा एंशिएंट नेम था तमिल कंट्री के, जो हमारी तमिल है उसका एंशिएंट नेम था तमिलकलम, जिसमें हमारे कौन कौन से पार्ट इंक्लूड थे, एक तो हमारा आंध्र प्रदेश था आज का, उसके बाद केरला था, उसके बाद हमारा तमिलनाडु था, ठीक है। तो तीन जो थे ये AKT, ये आपको याद रखना है AKT से, ठीक है, आंध्र प्रदेश केरला और तमिलनाडु, ठीक है, किसके अंदर थे, तमिलकलम के अंदर, ठीक है। प्रोवाइडेड टू बी मोर स्टेबल एंड प्रॉस्परस। अब चीफ्स एंड चीफडम्स की हमें बात करी गई है, अ चीफ बेसिकली ये चीफ लिखा है यहाँ पे, ये डिजिटल कॉपी है तो इसमें ये कुछ कुछ मिसप्रिंटिंग हो जाती है। अ चीफ इज अ पावरफुल मैन हुज पोजीशन मे और मे नॉट बी हेरिडेटरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा कि उसकी जो पोजीशन होती है वो हमेशा हेरिडेटरी होती है, बट हेरिडेटरी मतलब समझते ही होगे कि जो हमारी फैमिली बाय फैमिली चली आती है, जैसे अगर मेरे पापा राजा थे तो मैं भी राजा होऊंगा, फिर जो मेरा बच्चा है वो भी राजा होगा, तो ये हेरिडेटरी चली आ रही है पारिवारिक, ठीक है। तो इसने बोला कि पारिवारिक होते भी थे और पारिवारिक ना भी होते थे, मे और मे नॉट भी पारिवारिक। ही ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम हिज किंग फोक मतलब परिवार के लोग, ठीक है। हिज फंक्शन मे इंक्लूड परफॉर्मिंग स्पेशल रिचुअल्स लीडिंग इन वॉरशिप एंड आर्बिट्रेटिंग डिस्प्यूट्स। तो जो चीफ और जो चीफडम थे इनके फंक्शन क्या थे हमारे, ये वॉर के अंदर युद्ध भी लड़ते थे, उसके बाद जो आर्बिट्रेटेड डिस्प्यूट्स यानी कि जो डिस्प्यूट्स होते थे उनको भी सुलझाते थे, ठीक है। उसके बाद जो कुछ स्पेशल रिचुअल्स थे वो भी करते थे। ही रिसीव्ड गिफ्ट फ्रॉम हिज सबऑर्डिनेट अनलाइक किंग्स हु यूजुअली इलेक्टेड टैक्स। तो जो हमारा किंग्स था ये बेसिकली हमारे टैक्स कलेक्ट करते थे, बट जो हमारे चीफ और चीफडम थे ये हमारे गिफ्ट वगैरह भी रिसीव करते थे अपने सबऑर्डिनेट से, जो अपने जूनियर से, ठीक है। एंड ऑफ्टन डिस्ट्रीब्यूट दीज अमंग हिज सपोर्टर, और जो उसके सपोर्टर थे उसमें ये सारे गिफ्ट बांट देते थे। जनरली देर आर नो रेगुलर आर्मीज ऑफ दी एंड ऑफिशियल्स इन चीफडम। तो जो चीफडम्स के अंदर है जो बेसिकली रेगुलर आर्मी हमें नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ऑल्दो ये आर्मी के अंदर खुद लीड जरूर करते थे बट इनकी खुद की रेगुलर आर्मी हमें नहीं देखने को मिलती है। उसका जो अगला पैराग्राफ है कह रहा है, वी नो अबाउट दी स्टेट्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, फॉर इंस्टेंसेस द अर्ली संगम टेक्स, ये आपको याद रखना है। अर्ली संगम टेक्स कंटेन्स पोएम डिस्क्राइबिंग चीफ्स एंड चीफ्स एंड द वे इन विच दे एक्वायर्ड द एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज। many chiefs and kings including satvahanas who ruled over part of western and central india, jo satvahana the wahan unhone kahan pe rule kiya tha, western aur central india mein rule kiya tha, second century bce se leke second century ce tak, theek hai। to kari kari 400 saal inhone rule kiya tha satvahana ne, and the shaka the people of central asian origin, shaka ki origin kahan thi hamari central asian se aaye the wo shaka, who established kingdom in the north western एंड दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, यानी कि जो हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया वहाँ पे डिराइव रेवेन्यू फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो जो हमारे शाखा थे
दे डिराइव रेवेन्यू फ्रॉम वॉट, दे डिराइव रेवेन्यू फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस से, ठीक है, तो लंबे डिस्टेंस की जो ट्रेडिंग थी, ठीक है, व्यापार था, उससे उनकी रेवेन्यू आता था। देयर सोशल ओरिजिन वर ऑफ्टन ऑब्स्क्योर, ऑब्स्क्योर मतलब कि ज़्यादा कुछ पता नहीं है हमें कि शाका कहाँ से इवॉल्व हुई है, बट एज वी स्टिल सी द केस ऑफ द सतवाहना, वंस दे एक्वायर्ड पावर दे अटेम्प्टेड टू क्लेम सोशल क्लेम इन वेराइटी ऑफ वे, ठीक है। तो जैसे सतवाहना थे, इनके बारे में भी ज़्यादा पता नहीं है, बट जैसे ही वो पावर में आ जाते हैं तो फिर वो क्लेम करते हैं अपना सोशल स्टेटस अलग अलग तरीकों से। अब ये वाली जो है, ये यहाँ पे इस वाले डब्बे के अंदर बेसिकली हमारा ये थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। द अर्थशास्त्र, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बेसिकली है ये अर्थशास्त्र लिखा हुआ है। द अर्थशास्त्र ले डाउन माइन्यूट डिटेल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अब कई लोगों को लगता है अर्थशास्त्र यानी कि अर्थ मतलब पैसा, पैसा पैसे, ये अर्थशास्त्र जो है हमारे इकोनॉमिक के बारे में बात करता था, बट ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र जो बेसिकली हमारा है, वो जो चाणक्य ने लिखा था, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात करता था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में इकोनॉमिक दिखे और एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन दिखे, तो आपको टिक किस पे करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली अर्थशास्त्र के अंदर चाणक्य ने बताया था कि हमें जो क्या नाम है हाथी है, उन्हें कैसे कैप्चर करना होता है, ठीक है। तो उसके बारे में इसने बेसिकली बताया, तो बेसिकली इसने बताया कि जो फीमेल एलिफेंट है, ठीक है, उनका जो यूरिन होता है उन्हें आप छिड़को, ठीक है, उसका जो डंग है उन्हें आसपास रखो, उससे क्या होगा, मेल एलिफेंट अट्रैक्ट होंगे और उन्हें फिर जाल में फंसा के कैप्चर कर लो और अपने किंगडम में यूज करो उन एलिफेंट को। तो बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर वो बताया, अकॉर्डिंग टू ग्रीक सोर्सेज द मौर्यन रूलर हैड अ स्टैंडिंग आर्मी ऑफ 6 लाख फुट सोल्जर्स, 30,000 कैवलरी एंड 9,000 एलिफेंट्स, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना है कि जो हमारे जो मौर्यन एम्पायर था उनके 6 लाख तो फुट सोल्जर्स थे, कितनी बड़ी संख्या है ये, 30,000 कैवलरी थी और 9,000 एलिफेंट थे, 9,000 एलिफेंट जो कि बहुत ज्यादा एक अमाउंट है। अगला कह रहा है डिवाइन किंग्स। अब बेसिकली हमारा क्या होगा कि जैसे जैसे हमारे किंगशिप वगैरह डेवलप हुए, तो किंग्स ने क्या करना स्टार्ट किया भारत के अंदर, कि अपने आप को डिवाइन यानी कि परमात्मा या फिर भगवान से अपने आप को लिंक करना स्टार्ट कर दिया। इससे फायदा क्या होता था उन्हें कि जो जनता थी वो विद्रोह नहीं करती थी, और जो किंग बोलता था, राजा बोलता था, तो राजा के संदेश को वो भगवान का संदेश मांग के बिल्कुल फॉलो करते थे, ठीक है। उससे क्या होता था, राजा को एक बेनिफिट मिलता था कि जनता कभी विद्रोह नहीं करेगी और जो बोलेगा राजा वही जनता करती थी, ठीक है। तो ये आपको हर चीज में हर उसमें दिखेगा, हर डायनेस्टी के अंदर। ये मुगलों हैं, मुगल्स जो थे उन्होंने भी इस चीज को किया था, ठीक है, और जो हमारे कुशांस थे इन लोगों ने भी किया था, ठीक है। तो ये अभी हम इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे। वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वॉज टू आइडेंटिफाई विद वेराइटी ऑफ डीटीज, यानी कि देवी देवताओं से खुद को आइडेंटिफाई करना। दिस स्ट्रेटेजी इज बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड बाई द कुशानास, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा तगड़ी तरीके से कुशांस जो थे उन्होंने यूज किया था, 1st century BC से लेके 1st century CE तक इन्होंने राज किया था। हु रूल्ड ओवर वास्ट किंगडम एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया से लेकर नॉर्थ वेस्ट इंडिया तक एम्पायर था। देयर हिस्ट्री हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन एंड टेक्सुअल ट्रेडिशन। द नोशन ऑफ किंगशिप दे विश टू प्रोजेक्ट आर परहैप्स बेस्ट एविडेंस इन द कॉन्सेंस स्क्रिप्चर्स। ये आपको याद रखना है कि जो उनकी किंगशिप के बारे में कहाँ से पता चलता है, बेसिकली जो कॉइंस और जो स्कल्पचर्स हैं यानी कि जो मूर्तियां हैं उनके थ्रू जो कुशांस हैं इनका बहुत अच्छे से हमें पता चल पाता है कि ये कैसे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह करते थे, और इस एम्पायर के बारे में बेसिकली हमें अच्छे से पता चल पाता है। द कोलोसल स्ट्रक्चर्स ऑफ कुशान रूलर्स हैव बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन अ श्राइन एट मठ नियर मथुरा, जो कि उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो कोलोसल मतलब बहुत बड़ा विशाल, स्टैचू ऑफ कुशान हैव बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन द श्राइन ऑफ मठ नियर मथुरा। मथुरा के अंदर हमें बहुत बड़ा श्राइन मिली है कुशान की। सिमिलर स्टैचूज हैव बीन फाउंड इन द श्राइन एंड अफगानिस्तान के अंदर भी मिले हमें, सोच के देखो अफगानिस्तान, ठीक है। सम हिस्टोरियंस फील दिस इंडिकेट्स दैट कुशांस कंसीडर देमसेल्फ्स एज गॉड लाइक, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि इनके खुद के जो कुशांस के जो खुद की मूर्तियां वगैरह मिलती हैं अफगानिस्तान में मिल रही हैं, हमें हर जगह मिल रही है, तो कुशान अपने आप को एक गॉड लाइक फिगर बनाने की कोशिश करते थे। मैनी कुशान रूलर्स ऑल्सो अडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्र यानी कि सन ऑफ गॉड। यहाँ से आपको पता चल ही गया होगा जो मैं ऊपर आपको समझा रहा था कि कई सारे कुशान रूलर ने अपने आप को खुद को एक टाइटल देना स्टार्ट कर दिया देवपुत्र, ठीक है, देवपुत्र लगा के वो चलते थे, यानी कि सन ऑफ गॉड, ठीक है, यानी कि भगवान के बच्चे। पॉसिबली इंस्पायर्ड बाई द चाइनीज रूलर हु कॉल्ड देमसेल्फ्स सन ऑफ हेवन। जैसे मैंने आपको बताया था ये जो स्ट्रेटेजी है बहुत लोगों ने अपनाई थी, मुगल्स ने भी अपनाई थी और यहाँ पे आप देख सकते हो चाइनीज ने भी ये चीज अपनाई थी, और इसमें यह कहा जा रहा है कि जो कुशांस थे इन्होंने कहीं ना कहीं शायद चाइनीज रूलर से इंस्पायर होकर इस चीज को इनकलकेट किया अपने उसके अंदर, चाइनीज रूलर हु कॉल्ड देमसेल्फ्स सन ऑफ हेवन। तो यहाँ पे आपको कल को क्वेश्चन पूछ सकता है कि चाइनीज रूलर हमारे क्या बोलते थे खुद को, तो आपको दो ऑप्शन में देगा, सन ऑफ गॉड बोलते थे या फिर सन ऑफ हेवन कहते थे। तो सन ऑफ हेवन कहते थे, आपको याद रखना है, सन ऑफ गॉड जो थे यानी कि देवपुत्र, ये हमें कुशान जो थे हमारे राजा वो कुशान खुद को कहते थे सन ऑफ गॉड। बाय द 4th century देयर इज एविडेंस ऑफ लार्जर स्टेट्स इंक्लूडिंग गुप्ता एम्पायर। अच्छा, 4th century से हमारा जो गुप्ता एम्पायर है इसके बारे में पता चलता है हमें। मेनी ऑफ दिस डिपेंडेंट ऑन सामंतास, मैन हु मेंटेन्ड देमसेल्फ थ्रू लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर लैंड। सामंता हमारे कौन थे,
ऐसे लोग थे जो अपने आप को खुद को मेंटेन करते थे थ्रू लोकल रिसोर्सेज, ठीक है, इंक्लूडिंग कंट्रोल ओवर लैंड, और जो लैंड था उसके ऊपर भी कंट्रोल करते थे। दे अफोर्ड होमेज, प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू रूलर, ये आपको सब में ऑप्शन में दे देगा वो, ठीक है, कि होमेज भी ऑफर करते थे वो अपने रूलर को, और जो मिलिट्री सपोर्ट थी वो भी रूलर्स को ऑफर करते थे, ठीक है, जंग के अंदर वो पार्टिसिपेट करते थे। पावरफुल समंतास कुड बिकम किंग्स। अब ये भी आपको याद रखना कि जो पावरफुल समंतास थे, एक लिमिट के बाद जब वो पावरफुल हो जाते थे वो किंग को बिट्रे कर देते थे, मार मार के खुद किंग बन जाते थे, ठीक है, ये सब होता था। तो पावरफुल समंतास कुड बिकम किंग, कन्वर्सली वीक रूलर्स माइट फाइंड देमसेल्फ बीइंग रिड्यूस्ड टू पोजीशन ऑफ सबॉर्डिनेट। और साथ ही साथ जो हमारे पावरफुल समंतास थे वो तो किंग बन ही जाते थे, ठीक है, और जो वीक रूलर्स थे, मान लो कोई कमजोर आता है उसका भी एक तरह से हम डिमोशन हो जाता था, वो खुद वो उसका उसे राजगद्दी से हटा के उसे नीचे का कोई पद दे दिया जाता था, ठीक है। तो ये इसमें बताया है, हिस्ट्रीज ऑफ गुप्ता रूलर्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लिटरेचर, कॉइन, इंस्क्रिप्शन, इंक्लूडिंग प्रशस्तीज, ठीक है, ये आपको याद रखना है, प्रशस्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको मिलेगा इसके बारे में। तो प्रशस्ति क्या है बेसिकली, प्रशस्ति इज बेसिकली कंपोजिंग प्रेस ऑफ किंग्स इन पर्टिकुलर एंड पेट्रॉन्स इन जनरल, ठीक है। तो हमारी जो प्रशस्ति है ये किंग्स के प्रेज में, यानी कि किंग्स के जी हजूरी में गाई जाती थी प्रशस्ति हमारी। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो कुशान कॉइन के बारे में बता रखा है, अबवर्स, अबवर्स में हमारा है किंग कनिष्का, और जो रिवर्स है उसमें एक डीटी है। अबवर्स मतलब जो सामने वाली साइड है, ठीक है, सामने वाले के सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो सामने वाला पहलू है उसमें किंग कनिष्का की हमारी मूर्ति इसमें एंग्रेव पर रखी है कॉइन के अंदर, और जो दूसरी वाली साइड है रिवर्स उसमें एक डीटी यानी कि देवी की मूर्ति इसमें वो कर रखी है, इंग्रेव कर रखी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि जो कुशान थे वो खुद को गॉड लाइक फिगर से कंपेयर करते थे। उसके बाद क्या कह रहा है, द प्रज्ञ प्रशस्ति ऑल्सो नोन एज अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ये आपको याद रखना है कि अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, प्रज्ञ प्रशस्ति को कहते हैं, कंपोज इन संस्कृत इन बाय हरिसेना। अब इस छोटे से पैराग्राफ से काफी ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। तो जो हमारा प्रज्ञ प्रशस्ति बेसिकली क्या है, ये अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं इसे, और उसके बाद ये कंपोज किया गया था हमारा संस्कृत भाषा के अंदर, और कंपोज किसने किया था, ये हरिसेना नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने कंपोज किया था। और हरिसेना कौन थे, ये एक कोर्ट पोएट थे, ठीक है, कवि थे समुद्रगुप्त के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली सैंडस्टोन स्कल्पचर ऑफ कुशान किंग। तो यहाँ पे आपको बेसिकली याद रखना कि जो स्कल्पचर्स हैं यानी कि जो मूर्तियां, ये किससे बनाई जाती थी, सैंडस्टोन से बनाई जाती थी। ये देख सकते हो आप, जो टूटी फूटी जो थोड़ी बहुत बची है कि कुशान ने अपनी खुद की मूर्तियां बना रखी। चेंजिंग कंट्रीसाइड पॉपुलर परसेप्शंस ऑफ किंग। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। ये वाला जो डब्बा है हमारा सुदर्शना लेक वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखो, दी सुदर्शना लेक वॉज एन आर्टिफिशियल रिजर्वायर। ये हमारी पहली तो चीज आपको क्या याद रखनी है, कि इट वॉज अ आर्टिफिशियल रिजर्वायर, ठीक है, पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद हमें क्या याद रखना है, विच वी नो अबाउट इट फ्रॉम रॉक इंस्क्रिप्शन, यानी कि हमें इसके बारे में कैसे पता चलता है कि रॉक पे जो इंस्क्रिप्शन हुई थी, ठीक है, जो पत्थर पे लिखा गया था उसके बारे, उससे पढ़ के हमें पता चलता है सुदर्शना लेक के बारे में, जो कि हमारे संस्कृत में था वो इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज। प्राकृत मत कर देना, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी, तो इसलिए आपको क्या याद रखना है कि जो पहली तो हमारी जो सुदर्शना लेक थी वो हमारी आर्टिफिशियल लेक थी, रॉक इंस्क्रिप्शन के थ्रू पता चलता है हमें, और जो इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेज थी वो हमारी संस्कृत थी, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखो, इन संस्कृत कंपोज टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट ऑफ शाका रूलर रुद्रमनम, ठीक है, तो शाका रूलर जो रुद्रमनम थे इनके अचीवमेंट को रिकॉर्ड किया था उस बेसिकली इंस्क्रिप्शन ने, तो वहां से हमें पढ़ के सुदर्शना लेक के बारे में पता चलता है। The inscription mentioned that the lake was embankment and water channel was built by the local governor during the rule of Maurya. तो रूल मौर्य के रूल के दौरान ये पूरा का पूरा लेक हमारा बनाया गया था। However, a terrible storm broke the embankment and water gushed out of the lake. Rudramanam, who was then ruling in the area, claimed to have got the lake repaired using his own resources without imposing any of the subjects, any tax on the subject. तो यानी कि जो एक जो ये लेक थी बेसिकली, इसके ऊपर एक बहुत ज्यादा बड़ा तूफान आया था जिसकी वजह से पूरी की पूरी लेक थी हमारी डिस्ट्रॉय हुई थी, लेकिन लेटर ऑन जो रुद्रमनम थे उन्होंने इस लेक को रिपेयर कराया था अपनी जनता से कोई भी टैक्स लिए बिना, ठीक है। तो इस पे आपको याद रहना है, इस पे कंफ्यूजन आपको कर देगा कि टैक्स लेके किया था फिर टैक्स लिए बिना किया था, तो आपको ये इसमें विदाउट पे ज्यादा ध्यान देना है। अनदर इंस्क्रिप्शन इन द सेम रॉक मेंशन हाउ वन ऑफ द रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी गॉट द लेक रिपेयर। तो ये जो हमारे रुद्रमनम जो ये जो हमारे लेक है बेसिकली ये दो बार रिपेयर हो चुकी है, ठीक है, एक बार तो रुद्रमनम ने करी और दूसरी बार जो गुप्ता डायनेस्टी के जो बंदे थे उन्होंने करी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद इस वाले पैराग्राफ के बारे में बात करते हैं, पॉपुलर परसेप्शन ऑफ द किंग। तो बेसिकली इसमें ये बताया गया कि जो हमारे किंग्स थे, तो किंग्स का बेसिकली हमारा परसेप्शन क्या था जनता के द्वारा, यानी जनता अपने किंग को कैसे देखती थी और वो अपने किंग के बारे में क्या सोचती थी, ठीक है, तो वो बेसिकली बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने सोर्स जो उठाया है बेसिकली इनका ये कहना था कि जो हमारे स्क्रिप्ट थे और जो हमारे कॉइन्स थे ये हमें बहुत ज्यादा नहीं बता पा रहे थे कि जनता के मन में किंग के बारे में क्या विचार थे। तो जो हमारे जटाका और पंचतंत्र की जो कहानियां थी वहां से हमें काफी कुछ पता चल जाता है कि जनता अपने राजा के बारे में क्या सोचती थी, ठीक है।
उसके बाद जो हमारे ये पंचतंत्र और जटाका थे ये बेसिकली हमारे पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और फर्स्ट मिलेनियम सीई में लिखे गए थे। उसके बाद गंडा तिंडो जटाका से हमें जो है एक कहानी पता चलती है कि कैसे एक राजा जो था, राजा की जो प्रजा थी, वो अपने राज्य को छोड़ के और जंगल के अंदर पलायन कर दिया था उन्होंने अपने बैल के साथ, अपने सारे के सारे परिवार के साथ, ठीक है। और जब राजा उन्हें ढूंढते ढूंढते आया जंगल के अंदर और उसने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो जो जो जनता थी उन्होंने राजा को बेसिकली श्राप दिया कि बेसिकली तुम हमारा ख्याल नहीं रखते थे, रात को जो हमारे रॉबर्स थे, रॉबर्स हमें लूट के चले जाते थे, बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्टर के थ्रू अत्याचार होता था हमारे ऊपर, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो जनता है और राजा है उसके बीच में बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, ठीक है। एज दिस स्टोरी इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द किंग एंड हिज सब्जेक्ट स्पेशली इन द रूरल पॉपुलेशन ग्रामीण इलाकों में ऑफ्टन कुड बी स्ट्रेन्ड। किंग्स फ्रीक्वेंटली ट्राई टू फिल देयर कॉफर्स बाय डिमांडिंग हाई टैक्सेस। तो जो राजा थे बेसिकली वो हाई टैक्सेस डिमांड करके जो जनता थी उन्हें हमेशा प्रताड़ित करते थे, ऐसा हमें पता चलता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में जो प्रोडक्शन है यानी कि हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई थी अलग अलग राजाओं द्वारा, इसके बारे में बात करी गई है। वन सच स्ट्रैटेजी वॉज टू शिफ्ट टू प्लॉग एग्रीकल्चर वेयर स्प्रेड इनफर्टाइल एल्यूवियल वैली सच एज दोज ऑफ गंगा एंड कावेरी रिवर फ्रॉम 6th century BCE, ठीक है। तो बेसिकली जो एग्रीकल्चर था उसमें जो प्लॉग यानी कि जो हमारा हल होता है उसका यूज करना स्टार्ट कर गया था, ठीक है। आयरन का जो हल होता है उसका यूज 6th century BCE के बाद में, ठीक है। द आयरन टिप्ड प्लगशेयर वॉज यूज टू टर्न द एल्यूवियल सॉइल इन द एरियाज विच हैड हाई रेनफॉल। तो यहाँ पे हमें ये बताया है कि जो लोहे का जो हमारा हल होता था वो एल्यूवियल सॉइल के ऊपर हम यूज करते थे जहाँ पे रेनफॉल काफी ज्यादा हाई होती थी, ठीक है, ताकि वो जो मिट्टी है उसे अच्छे से खुदाई करके वहाँ पे अच्छे से वो क्या नाम है क्रॉप्स हमारी उगाई जाए, ठीक है। बट आपको ये चीज याद रखनी है, इस पैराग्राफ में बेसिकली ये बताया है कि ये जो हल था बेसिकली हमारा जो आयरन प्लग था, ये ऐसा नहीं कि हर जगह पैन इंडिया आपको यूज कर सकते थे, ये जो हल था बेसिकली इसके जो यूज था वो कई सारे हमारे सबकॉन्टिनेंट में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में रिस्ट्रिक्टेड था, यहाँ पे आप देख सकते हो रिस्ट्रिक्टेड था, ठीक है। और जो हमारे जैसे फॉर एग्जांपल जो सेमी एरिड एरियाज थे जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, वहां पे ये डिड नॉट अडॉप्ट लिखा है, ठीक है, वहां पे ये जो हल था हमारा वो यूज नहीं होता था, ठीक है। 12th century तक हमारा ये जो हल था ये यूज नहीं होता था, ठीक है। उसके बाद जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट थे जैसे हमारे अरुणाचल प्रदेश हो गए, मणिपुर हो गए, मिजोरम हो गए, तो वो जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया थे हमारे इंडिया के वहां पे होई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो स्ट्रेटेजी अपनाई प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो ये था कि जहां पे रेनफॉल कम है वहां पे इरिगेशन की फैसिलिटी उपलब्ध करानी स्टार्ट करी लोगों ने, ठीक है, एक दूसरे को। तो उससे क्या हुआ कि जो ऐसे एरियाज जहां पे रेनफॉल कम होती थी वहां पे जो क्रॉप्स थे उनको एक अच्छा वाटर मिल सके और वो अच्छे से ग्रो कर सके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, इसमें बता रखा है बेसिकली जो हमारे रूरल सोसाइटी थी उसके अंदर कैसे भेदभाव था और उसके बीच में कैसे डिफ्रेंशिएशन था, ठीक है। अब इससे क्या हुआ बेसिकली जो हमारी ये टेक्निक्स आई जितने भी इरिगेशन आया, हो एग्रीकल्चर आया, प्लग वाला आया, तो इससे हमारा बेसिकली हुआ क्या, कुछ लोगों का जो हमारा प्रोडक्शन था और जो एग्रीकल्चर था उनकी खेती थी वो तो बहुत ज्यादा ऊपर चली गई, उनके ऊपर जाने से उनका जो सोशल स्टेटस था वो भी ऊपर चला गया, ठीक है। वो बड़े बड़े लैंड ओनर ओन करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने, ठीक है, और वो बड़े बड़े मतलब ऊंचे पदों पे चले गए वो। लेकिन जो कुछ लोग थे जिनका ये वर्कआउट नहीं किया ये टेक्निक्स थे, ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो या फिर कोई भी चीज हो या फिर उनके पास स्मॉल लैंड हो, वो एकदम से वो नीचे गिरते चले गए, ठीक है। तो इस टाइप की जो सोशल डिफरेंसेस थी रूरल सोसाइटी में एग्रीकल्चर की वजह से वो यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो बेसिकली हमें जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है वहां से हमें एक चीज पता चलती है कि जो हमारे एग्रीकल्चर लेबर थे वो तीन कैटेगरी में डिवाइड हो गए थे। एक तो वो थे जो लैंडलेस थे, यहाँ पे देख सकते हो लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर पहले तो ये, दूसरे हमारे स्मॉल पीजेंट थे और जो तीसरे थे हमारे लार्ज लैंड होल्डर्स थे, ठीक है। उसके बाद द टर्म कहापति वॉज यूज ऑफ्टन इन पार्लियमेंट टू डेजिग्नेट द सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी। तो बेसिकली जो हमारे स्मॉल पीजेंट और लार्ज लैंड होल्डर्स थे, ठीक है, उसको हम गहपति कहते थे, ठीक है, पाली लैंग्वेज के अंदर उसे हम गहपति कहते थे, आपको याद रखना है, ठीक है, पाली लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, अर्ली संगम लिटरेचर, अर्ली तमिल लिटरेचर, द संगम टेक्स्ट आल्सो मेंशन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेज। और उसके बाद जो हमारा साउथ है, साउथ में भी हमारे ये डिफरेंसेस थे, इन्हें कहते थे, इन्हें अलग अलग नाम से पुकारते थे। जैसे हमारा जो संगम लिटरेचर है जो कि तमिल में था, उसमें ये बताते हैं कि जो लार्ज लैंडोलर थे उन्हें हमें बेलेलार बोलते थे, ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आ रखा है। उसके बाद जो प्लगमैन थे, ठीक है, जो खुदाई वगैरह करते थे उन्हें उजवार कहते थे, और जो स्लेव्स थे, ठीक है, जो दास थे उन्हें हम आदिमाई कहते थे। तो ये साउथ की बात है और ये हमारी जो है ये बेसिकली नॉर्दर्न पार्ट की बात है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जो मनुष्य, यहाँ पे ये बेसिकली द मनुस्मृति लिखा है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। द मनुस्मृति इज वन ऑफ द बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट इन अर्ली इंडिया रिटन इन संस्कृत। तो हमारा किसमें लिखा है, संस्कृत में लिखा है, एंड कंपाइल बिटवीन 2nd century BCE एंड 2nd century CE, ठीक है। तो इसके बीच में कंपाइल हुआ हमारा मनुस्मृति, इसके बारे में यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए रिलेवेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गहपति के बारे में बात करी गई, द गहपति वॉज द ओनर मास्टर और हेड ऑफ अ हाउस होल्ड हु एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द वुमेन, ठीक है। तो गहपति हमारा कौन था, एक घर का मुखिया था बेसिकली, जो वुमेन और स्लेव्स पे और बच्चों पे अपनी पावर एक्सरसाइज करता था, ठीक है। उसके बाद इस वाले पैराग्राफ में हमें लैंड ग्रांट्स के बारे में बात करी गई है कि बेसिकली जो लैंड था वो लैंड की ओनरशिप रखने का किस किस को हक था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ये बताया कि जैसे अकॉर्डिंग टू हमारे ब्राह्मण्स के जो सूत्रास्त थे, ठीक है, धर्म सूत्रास्त थे, उसमें ये बताया गया था कि जो वुमेन है वो लैंड होल्ड नहीं कर सकती, ठीक है,
बट यहाँ पे एक हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है कि जो हमारी प्रभावती गुप्ता थी, जो कि एक डॉटर, जो कि एक क्वीन थी खुद ही, ठीक है, और ये चंद्रगुप्त टू की बेटी थी, यानी कि डॉटर थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो जो फैक्ट मैंने हाईलाइट कर रखा है। शी वॉज मैरिड इन टू अनदर इंपॉर्टेंट रूलिंग फैमिली दैट ऑफ द वकतकास हु वर पावरफुल इन डेक्कन। तो जो प्रभावती गुप्ता थी, इन्हें जो वकतकास हैं उनसे शादी इनकी हुई थी प्रभावती गुप्ता की, और जो वकतकास का जो एम्पायर था वो डेक्कन के अंदर फैला हुआ था, दक्खन में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू संस्कृत टेक्स्ट, वुमेन वर नॉट सपोज टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्सेज सच एज लैंड, ये जैसे हमने पहले ऊपर डिस्कस किया था। हाउ वर द इंस्क्रिप्शन इंडिकेट दैट प्रभावती गुप्ता हैड एक्सेस टू लैंड विच शी देन ग्रांटेड। दिस मे हैव बीन बिकॉज शी वॉज अ क्वीन, वन ऑफ द फ्यू नोन फ्रॉम अर्ली इंडियन हिस्ट्री, एंड हर सिचुएशन वॉज देयरफॉर एक्सेप्शनल। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द प्रोविजनल that the provision of the legal text were not uniformly implemented. तो basically हमें ये पता चलता है कि जो हमारे जितने भी ये laws थे धर्मसूत्रास के, ये basically हमारी जो ruler populace थी और जो आम जनता थी उनके लिए थे, majorly हमें ये पता चल रहा है। अब क्योंकि प्रभावती गुप्ता जो हमारी queen थी तो वो अपना land own कर रही थी आराम से, ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा law था वो basically uniformly implemented नहीं था, ठीक है। उसके बाद इस वाले पैराग्राफ में बस इतना ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे हम इस वाले डब्बे के अंदर आते हैं, यहाँ पे द हर्ष चरित्र लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इस पर आपको ध्यान देना है, जो हर्ष चरित्र लिखा हुआ है यहाँ पे। The Harsh Charitra is a biography of Harshvardhana, the ruler of Kannauj, composed in Sanskrit by his court poet Banavatta. तो इस पैराग्राफ में बस इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है कि हर्ष चरित्र हमारी किसकी बायोग्राफी है, हर्षवर्धन की बायोग्राफी है, जो कि कन्नौज के राजा थे, और ये जो बायोग्राफी है ये बानाभट्टा ने लिखी है संस्कृत भाषा के अंदर। उसके बाद आपको सीधे इस वाले पैराग्राफ को पढ़ना है जो हमारे इसमें अघारा लैंड के बारे में बात करिए कि अघारा बेसिकली क्या होता है। एंड अघारा वॉज अ लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मणास हु वर यूजुअली एक्सेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग लैंड रेवेन्यूज एंड अदर ड्यूज टू किंग। तो अघारा लैंड हमारा क्या था, जैसे कोई भी मेरे पास अगर जमीन है वो मैंने ब्राह्मण को दान कर दी तो वो बेसिकली अघारा कहलाएगा, ठीक है, और जो ब्राह्मण थे वो उन्हें टैक्स वगैरह देने में छूट मिलती थी, ये इसमें बताया गया है, ठीक है। उसके बाद सीधे हम यहाँ पे आ जाते हैं टाउन्स एंड ट्रेड में, इसमें हम बेसिकली जो शहर है और जो उसके बीच में जो व्यापार होता था उसके बारे में बात करेंगे। पहले तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ पाटलिपुत्र जो ये वाला डब्बा है इसमें पढ़ना है कि बेसिकली ईच सिटी हैड इट्स ओन हिस्ट्री। The Patliputra for instance began as a village known as Patligram, यानी कि Patligram से हमारा जो Patliputra वो निकला, यानी कि जो Patliputra था वो पहले Patligram था, एक जो ग्रामीण इलाका था, विलेज था, वहां से फिर ये डेवलप होते होते मॉडर्न एम्पायर के अंदर Patliputra कहना लगा आगे चलकर, ठीक है। देन इन द 5th century BCE Magadhan ruler decided to shift their capital to Rajgarh, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ रखा था, to this settlement and renamement. By the 4th century BCE it was the capital of Mauryan Empire as one of the largest city in Asia. तो पाटलिपुत्र जो है हमारा 4th century BC के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर हो गया था एशिया के अंदर, कितनी बड़ी बात है। When Chinese pilgrim Zhuang Zhang visited the city in the 7th century CE, he found it in ruins and with a small, very small population. But Chinese pilgrim जो जिनका नाम है Zhang Zhuang, वो 700 CE के अंदर आए थे हमारे, तो इन्होंने ये फाउंड किया कि जो हमारा पाटलिपुत्र जो शहर है वो बेसिकली अब खंडर हो चुका है और वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है, तो वहाँ से उनका डिग्रेडेशन हो गया था पाटलिपुत्र का 700 CE तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पढ़ते हैं यहाँ पे बेसिकली क्या कर रखा है। वर्चुअली ऑल मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलॉन्ग द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, जो हमारे महाजनपदास के जो जितने भी टाउन्स थे वो मोर ऑर लेस सारे टाउन्स जो ऐसे जगह पे लोकेटेड थे जो जहाँ से जो कम्युनिकेशन है वो आराम से हो सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे जो पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र वॉज ऑन रिवेन्यू रूट, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये अलग अलग महाजनपदास के वो लिख रखे हैं, रूट्स लिख रखे हैं, तो ये आपको थोड़ा लिस्ट बना के लिख लेना है। पाटलिपुत्र वर ऑन रिवेन्यू रूट, यानी कि हमारा जो पाटलिपुत्र है वो रिवेन्यू रूट पे था। अदर सच एज उज्जैनी वर अलॉन्ग लैंड रूट, उज्जैनी हमारा लैंड रूट पे था। पुहार वर नियर द कोस्ट फ्रॉम द सी रूट बिगेन, तो जो पुहार था हमारा वो हमारा कोस्टल एरिया पे था जहाँ से जो समुद्र का रास्ता है वहां से हमारा स्टार्ट होता था। मेनी सिटीज लाइक मथुरा वॉज बस्लिंग सेंटर फॉर द कमर्शियल कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी। तो मथुरा जो था हमारा वो एक बिल्कुल ही सेंटर था, हमारा हब था, जो कि जहाँ पे हमारे कमर्शियल और कल्चरल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती थी। तो बेसिकली इसमें यही बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला जो फिगर है इस पर थोड़ा सा ध्यान देना और जो कैप्शन है ये पढ़ लेना है। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ इमेज ऑफ मथुरा ऑन द पेडेस्ट्रियल इज अ प्राकृत इंस्क्रिप्शन, ठीक है। इसमें जो ये नीचे लिखा हुआ है ये प्राकृत में लिखा हुआ है, मेंशनिंग दैट द वुमन नेम्ड नागप्रिया द वाइफ ऑफ गोल्डस्मिथ सोवानिका नेम्ड धर्मिका इंस्टॉल द इमेज इन दिस श्राइन, ठीक है। तो इसमें आपको जो लास्ट की तीन लाइन है इसमें ज्यादा ध्यान देना है कि नागप्रिया कौन थी, नागप्रिया वॉज द वाइफ ऑफ गोल्डस्मिथ जिसका नाम था सोवानिका, ठीक है, जिसने ये जो पूरा का पूरा श्राइन है ये इंस्टॉल किया था, ठीक है। तो इस पर आपको ये इस चीज पे ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, अब यहाँ पे हमारा votive inscription के बारे में बात कर रखा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है हमारा votive inscription, क्या होता है यहाँ से पढ़ सकते हो। votive inscription record gifts made to religious institution, जो हमारे religious institution है वहाँ पे हम जो दान दक्षिणा करते हैं,
तो करने के बाद वहां पे हमारा जो नाम होता है और कई बार हमारी जो डेजिग्नेशन होती है उसके बारे में भी लिख दिया जाता है कि इन्होंने इतना इस मंदिर के अंदर चंदा दिया था या फिर कोई भी कंट्रीब्यूशन किया था। तो बेसिकली वोटिव इंस्क्रिप्शन उसे कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि इसमें वोटिव इंस्क्रिप्शन में हम क्या क्या मेंशन करते थे। दीज मेंशन द नेम ऑफ द डोनर, जो डोनर था, जो दान, जो बंदा दान करता था उसका नाम मेंशन करते थे, एंड समटाइम्स स्पेसिफाई इज ऑक्यूपेशन एज वेल, ठीक है, कि वो बंदा क्या करता था, ठीक है, वो भी हम उसके नाम के नीचे लिख देते थे। उसके बाद यहाँ पर आपको गिल्ड्स और श्रेणीज के बारे में ध्यान देना है। यहाँ पे जो लिख रखा है, समटाइम्स गिल्ड और श्रेणीज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड मर्चेंट आर मेंशन्ड एज वेल। तो गिल्ड्स और श्रेणीज हमारे कौन थे, ये क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स थे और मर्चेंट्स थे, ठीक है। ये हमारे क्या करते थे, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते थे, प्रोडक्शन को रेगुलेट करते थे, ठीक है, और जो फिनिश प्रोडक्ट है उसे मार्केट करते थे, ठीक है। इट इज लाइकली दैट द क्राफ्ट प्रोडक्शन यूज अ रेंज ऑफ आयरन टूल्स टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ द अर्बन एलिट्स। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स थे उन्हें हम मसत्तुवन या तमिल में कहते थे और सेटीज एंड सत्तावहाज प्राकृत के अंदर कहते थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मसत्तवन इन तमिल और सेटीज एंड सत्तावहाज इन प्राकृत, इन्हें हम कहते थे, और ये कौन थे, हमारे सक्सेसफुल मर्चेंट थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे बेसिकली इसने ये बताया कि जो हमारा स्पाइस होता था, ठीक है, जो मसाले होते थे और जो पेपर होते थे, काली मिर्च वगैरह, ये सारी चीजें जो थी वो बहुत ज्यादा डिमांड में थी रोमन एम्पायर के अंदर, ठीक है। और जो हमारा भारत है, सबकॉन्टिनेंट है, वहां से एक्सपोर्ट होकर जाती थी रोमन एम्पायर के अंदर और वहाँ की डिमांड्स को फुलफिल करती थी, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ से कई सारे, भारत से कई सारे ऐसे मेडिकल प्लांट्स भी जाते थे जो वहाँ पे हेल्प करते थे, जो कि ट्रीटमेंट वगैरह में काम आते थे। वही इसमें बता रखा है, स्पाइसेस स्पेशली द पेपर वर इन हाई डिमांड्स इन रोमन एम्पायर एज वर टेक्सटाइल्स एंड मेडिकल प्लांट दीज एंड दीज वर ऑल ट्रांसपोर्टेड थ्रू द अरेबियन सी, अरेबियन सी के द्वारा ये फिर मेडिटेरियन सी में भेज के और वहाँ पे रोमन एम्पायर में चले जाते थे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें बताया। उसके बाद जो ये वाला डब्बा है, इसमें आपको ये चीज याद रखनी है कि जो कोदुमनल है वो हमारा तमिलनाडु के अंदर है, ये आपको याद रखना है, बस इतना छोटा सा चीज याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पे कॉइन्स वगैरह के बारे में बात करी गई है। इसमें बेसिकली ये बताया कि जो हमारा पंचमा कॉइन्स था, ठीक है, जो बिल्कुल ठप्पा लगा के उसमें पंचमा कॉइन्स था, जिसकी हमने फोटो भी देखी थी, वो बेसिकली हमारा 6th century BC के ऑनवर्ड से हमारा स्टार्ट हो गया था और ये हमारा सिल्वर और कॉपर में बनाया जाता था, गोल्ड में नहीं बनाया जाता था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाना है कि जो द फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ द रूलर वर इशूड बाय द इंडो ग्रीक। तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि जो हमारे ऐसे पहले कॉइन्स जिसमें नेम्स और इमेजेस थी रूलर की, वो इंडो ग्रीक्स द्वारा इशू करे गए थे, कुशांस के द्वारा नहीं इशू करे गए थे, आपको याद रखना है। कुशान के द्वारा क्या इशू करे गए थे, फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स जो थे वो कुशान के द्वारा इशू करे गए थे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट गोल्ड कॉइन पर इशूड इन 1st century CE बाय द कुशांस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, दीज वर वर्चुअली आइडेंटिकल इन वेट विद दोज ऑफ द इशूड बाय द कंटेम्पररी रोमन एम्परर्स एंड द पार्थिनियन रूलर्स ऑफ ईरान एंड हैव बीन फाउंड इन फ्रॉम सेवरल साइट्स इन द नॉर्थ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो हमारे गोल्ड कॉइन्स थे जो कि कुशांत ने इशू किए थे, वो बहुत ज्यादा आइडेंटिकल थे रोमन एम्पायर के जो कॉइन्स थे उससे, और जो हमारे ईरान के जो कॉइन्स थे वो उससे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उससे उसके बाद बेसिकली यहाँ पे बताया कि न्यूमिस्टमैटिक्स क्या होती है हमारी, न्यूमिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स, बस आपको इतना याद रखना है, जो सिक्कों की स्टडी होती है उसे बेसिकली न्यूमिस्टमैटिक कहते हैं। और जो हम ऊपर बात करते हैं कि जो पंचमा कॉइन है, तो पंचमा कॉइन देखो उसकी फिगर ऐसी है, कुछ ऐसा दिखता है पंचमा कॉइन, ठीक है। तो सर इस वाले पैराग्राफ में पढ़ते हैं, कॉइन्स वर ऑल्सो इशूड बाय ट्राइबल पीपल्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो ट्राइबल रिपब्लिक थे उनके द्वारा भी सिक्के का जो है यूज प्रयोग किया जाता था और वो इशू करते थे सिक्के में, ठीक है। सच एज दैट ऑफ यहूदियास ऑफ पंजाब और हरियाणा, ठीक है, जो कि हमारे ट्राइबल पंजाब और हरियाणा के जो ट्राइबल रिपब्लिक थे उनका क्या नाम था, यहूदियास, और वो भी कॉइन इशू करते थे, ठीक है। और ये जो कॉइन्स थे बेसिकली ये हमारे कॉपर के बने हुए थे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ अनअर्थ सेवरल थाउजेंड कॉपर कॉइन्स इशूड बाय द यहूदियास पॉइंटिंग दैट द लेटेस्ट इंटरेस्ट इन द पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमिक एक्सचेंज, ठीक है। तो बेसिकली इसमें यही बता रखा कि ये जो यहूदियास थे इनका भी प्रॉपर इकोनॉमिक एक्सचेंज में पार्टिसिपेशन रहता था, ठीक है। उसका सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय गुप्ता रूलर्स, तो गुप्ता रूलर्स वो लोग थे जिन्होंने सबसे अच्छे गोल्ड कॉइन इशू करे थे। दीज कॉइन्स फैसिलिटेटेड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांजेक्शन फ्रॉम विच किंग्स ऑल्सो बेनिफिटेड, तो जो गुप्ता रूलर्स के जो कॉइन्स थे गोल्ड कॉइन, ये लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड था उसे फैसिलिटेट करते थे, जिसकी वजह से जो किंग्स और जो उनकी प्रजा, जो उनका राज्य था उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता था, ठीक है। अब बेसिकली हुआ क्या, जो 6th century CE का जो पीरियड है, 6th century CE के बाद में जो ये गोल्ड कॉइन के जो प्रेवलेंस है ये सोसाइटी के अंदर कम हो गया, ठीक है, यानी कि ये गोल्ड कॉइन हमारे कम यूज होने स्टार्ट हो गए। तो इसका जो इशू, इसका जो रीजन बताते हैं, कई लोग अलग अलग रीजन बताते हैं, सब कुछ कहते हैं कि जो हमारा वेस्ट का जो रोमन एम्पायर था वो बेसिकली हमारा डिक्लाइन हो गया था, उस वजह से जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड था वो डिस्टर्ब हो गया, उसके वजह से जो गोल्ड कॉइन थे उनका यूज कम हो गया। कुछ कहते हैं कि कई सारे हमारे नए टाउन की स्थापना हो गई थी और जो नए ट्रेड के नेटवर्क्स डेवलप हो गए थे, जिसकी वजह से जो ट्रेड था वो बेसिकली वो डिस्टर्ब हुआ और हमारी जो कॉइन्स थी उनकी प्रेवलेंस कम हो गई, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहूदियास, यानी कि जो कॉपर जो कॉइन थे उनके यहूदियास के, जो कि पंजाब और हरियाणा के ट्राइबल रिपब्लिक्स थे, उनका कॉइन कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है। उसके बाद जो ये जो है ये गुप्ता कॉइन है, यहाँ आप देख सकते हो जो गोल्ड का है, ठीक है।
उसके बाद बेसिकली यहाँ पे हमारे स्क्रिप्ट्स के बारे में बात करेंगे दोबारा से कि स्क्रिप्ट्स जो थे उन्हें डिसाइफर किस किस लोगों ने किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले तो इसने ये बता रखा है, मोस्ट स्क्रिप्ट्स यूज्ड टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्राह्मी द स्क्रिप्ट यूज्ड इन मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शन। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया कि जो हमारी आज की जितनी भी मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, जैसे हमारे हमारी हिंदी भी हो गई और जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस हैं जो भारत में बोली जाती हैं, तो वो हमारी कहीं ना कहीं हमारी जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वहां से डिराइव्ड हुई थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, अगर आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पे बगल में जो ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे हमारा ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और यहाँ पे हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट है जो कि हमारी हिंदी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है, यहाँ से हमारा ये जो प्लस का साइन है यहाँ से हमारा क निकला, ये जो डी से हमारा च निकला, सी से हमारा ढ निकला। ठीक है, ऐसे करके हमें बेसिकली ये पता चलता है कि जो हमारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट है यहाँ से हमारी जो हिंदी की देवनागरी है और जितनी भी हमारे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस है वो डिराइव हुई थी। तो बेसिकली इसमें यही बताने की कोशिश करी है इसने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, Scholars who studied the earlier inscriptions sometime assumed that they were in Sanskrit, although these the inscriptions were in fact in Prakrit. तो बेसिकली इसमें यह बताया गया कि जो स्कॉलर्स ने जब सबसे पहले इंस्क्रिप्शन को स्टडी किया तो उन्हें लगा कि ये संस्कृत भाषा के अंदर है। ठीक है, ये संस्कृत भाषा है, बट इन्हें जब बाद में स्टडी किया तो इन्हें पता लगा कि ये संस्कृत नहीं, ये प्राकृत भाषा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में ये बता रखा कि जो जेम्स प्रिंसिप थे, इन्होंने जो अशोकन ब्राह्मीन है वो डिसाइफर करी थी 1838 के अंदर। ये आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, उसके बाद इस वाले पैराग्राफ में आपको यहाँ पे ध्यान देना है, नोट दैट द नेम ऑफ द रूलर अशोका इज नॉट मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन, व्हाट इज यूज्ड इंस्टेड आर टाइटल्स अडॉप्टेड बाय द रूलर देवनम प्रियम। यानी कि हमें बेसिकली इसमें पैराग्राफ में ये बताया कि जो इंस्क्रिप्शंस थे हमारे अशोका के, जिसमें हमारा जो धम्मा वगैरह था, ये सारे जितने भी इंस्क्रिप्शन थे चट्टानों के ऊपर और हर जगह पे, वहाँ पे हमारा अशोका का बेसिकली कहीं भी नाम मेंशन नहीं है। ठीक है, जो अशोक नाम है वो बेसिकली हमारा कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, उसकी जगह हमारा क्या मेंशन है, उसकी जगह हमारा ये वाला नाम मेंशन है जो कि है हमारा देवनम प्रिया। ठीक है, देवनम प्रिया का मतलब क्या होता है, बिलव्ड ऑफ गॉड। ठीक है, यानी कि देवताओं का जो प्रिय मतलब बंदा। ठीक है, वो, या फिर उसकी जगह हमारा प्रियदर्शी जो है, यानी जिसका नाम, जिसका मतलब होता है प्लीजेंट टू बी होल्ड, ये हमारा मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो टाइटल्स थे बेसिकली ये हमारे अशोका जो रूलर थे उन्होंने ही ये अपने लिए अडॉप्ट करे थे। ठीक है, अशोका को ही देवनम प्रियम भी बोलते थे और प्रियदर्शी भी बोलते थे। ठीक है, तो अशोका नाम ना लिख के ये लोग देवनम प्रिय और प्रियदर्शी जो है इंस्क्रिप्शन पे ये लिखते थे। ठीक है, ये बेसिकली इसमें बताया गया। ठीक है, उसके बाद इस वाले पैराग्राफ में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपको इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है कि जो पति वेदिका है ये बेसिकली कौन थे, ये हमारे रिपोर्टर्स थे अशोका एम्पायर के अंदर, जो रिपोर्टर्स थे उनको पति वेदिका बोला जाता था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जो अशोका थे उन्होंने कलिंगा वॉर लड़ी थी और बहुत ज्यादा वहाँ पे खून खराब हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली इस वाले डब्बे के अंदर यही चीज बताई गई है। ठीक है, कि कितने सारे लोग मरे थे और कैसे वो पूरा का पूरा युद्ध हुआ था, आपको बेसिकली याद रखना है। जो कलिंगा है वो हमारा वो प्रेजेंट डे ओडिशा के अंदर है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और बाकी आप जो ये पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको थोड़ा बहुत चीजें और क्लियर होंगी। यहाँ पे आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, इसमें इसने बेसिकली क्या बोला है कि जो हमारा अशोक इंस्क्रिप्शन है वो हमारा ओडिशा के अंदर कई सारी जगह पे मिलता है, लेकिन जो कलिंगा है जहाँ पे प्रॉपर बैटल लड़ी गई थी, ठीक है, जहाँ पे कई सारे लोगों की हत्या हुई थी, वहां पे हमें एक भी इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसका ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के ऊपर कि ये बेसिकली क्यों नहीं मिलता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है लिमिटेशंस बताई गई है हमारे जो इंस्क्रिप्शन है उनकी, कि बेसिकली इसमें ये बताया गया कि जितने भी हमारे स्क्रिप्ट्स हैं, जितने भी हमारे लैंग्वेजेस हैं, सारी हमारे डिसाइफर्ड अभी तक नहीं हो पाई हैं। ठीक है, बहुत सारी जो लैंग्वेजेस हैं और जो स्क्रिप्ट है वो हमारे डिसाइफर्ड होनी बाकी है। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारे ये वाला जो चैप्टर है ये बेसिकली अब एंड होने पे आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम कर्नाटका, इस टाइप की जो इंस्क्रिप्शन थी ये बेसिकली कॉपर प्लेट के ऊपर करी जाती थी कर्नाटका के अंदर, 6th century CE की टाइमलाइन है। ठीक है, उसके बाद जो ये टाइमलाइन है ये वाली जो चैप्टर के लास्ट में होती है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे लोग इसे इग्नोर कर देते हैं बट यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको ये कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों ये वाली जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम इस वाले चैप्टर के किंग्स फार्मर्स एंड टाउन के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे यूपीएससी जो यूपीएससी ने पूछे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।